पटना। और वहीं उत्तराखंड के चंपावत जिले के कई इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। आईईसी वैन के जरिए लाभार्थियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक योजनाओं से हुए लाभ के बारे में लोगों ने अपनी कहानियों को, अपने अनुभवों को साझा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तराखंड के चंपावत जिले के चारों विकास खंडों खेतीखान, देवीधुरा, झुडेली, रायकोट कुंवर, चामी, नायक गोठ सहित 7 स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर लोगों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। चंपावत जिले में भी आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भागीदारी का संकल्प लिया। वहीं शिविर में आए लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अपने अनुभव भी साझा किए। मैंने पति का इलाज कराया है, उनके हार्ट में दिक्कत थी, पहले सुजला तिवारी में गए, सुजला तिवारी से फिर उन्होंने वहाँ पर अच्छा इलाज कराया, इस योजना से ये कार्ड वहाँ लगा, तो उसके बाद फिर हमको रेफर किया गया राम मूर्ति बरेली को, वहाँ भी उनका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ राम मूर्ति में, तो उसमें इलाज पूरा पक्का हो गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान कैंप में आए तमाम किसानों ने बताया कि वो केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और उन्हें इस योजना से काफी लाभ मिला है। भारत सरकार की जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक लाभार्थी हूं और मैं जब से वो किसान सम्मान निधि हमको मिलती है ठीक टाइम में, जिस समय हमें रबी की फसल या खरीफ की फसल या हमें खाद की आवश्यकता होती है, उस समय भारत सरकार की तरफ से सीधे हमारे खाते में आ जाते हैं, हमें किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कृषि ऋण के लिए मैंने आवेदन लगाया था तो मुझे मिल गया है, सरकार के लिए धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाएं हर गांव, हर शहर के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी को आम आदमी तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और ये तस्वीर बताती है कि किस तरह इस आईईसी वैन की मदद से वो लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचा रहे हैं। इस यात्रा को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, साथ ही निरंतर लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। तो जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई